पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शानदार बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजनीति के खिलाड़ियों को इस एक्सप्रेसवे में मौका मौका वाली फील्डिंग आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने पास किया, किसने शिलान्यास किया, किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, किसने उद्घाटन किया, इस समय इन्हीं बातों पर राजनीति हो रही है। यूपी चुनाव में पूर्वांचल की सीटें एक तरह से सत्ता की चाबी हैं, इसीलिए हर पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय अपने नेताओं को देना चाहती है। हम आपको अब इस पर हो रही राजनीति और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत दोनों के बारे में बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी यूपी की सत्ता में पूरी रफ्तार से पहुंचना चाहती है। एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी चाहती है कि उनका संदेश इन विमानों की गरज की तरह वोटर्स के कानों में पड़े और वहीं रह जाए। एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इस 341 किलोमीटर लंबे विशाल और शानदार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। प्रदेश ही नहीं, देश भर के लोगों की निगाहें इस हाईवे की क्षमताओं पर पड़ी। पूर्वांचल के मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी को अच्छे माइलेज की उम्मीद है। इसी वजह से पीएम ने विरोधियों के कान घुमाकर नहीं सीधे पकड़े। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में है और राहजनी नहीं, गांव गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। पीएम मोदी यूपी की नब्ज जानते हैं, इसीलिए हिंदी भोजपुरी मिक्स जबान में वो बोले तो लोग खुश हो गए। धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास की सबसे बड़ी सौगात बताया और पिछली सरकारों को विकास का बाधक। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ने वाली सीटों पर बीजेपी अपना एक छत्र राज्य चाहती है।